एक आरटीआई आवेदन का जवाब देते हुए शुक्रवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में विज्ञापन पर 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की है, जिसमें ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दिखाई गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आरटीआई आवेदन के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आउटडोर विज्ञापनों पर अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2017 तक लगभग 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब तक सामुदायिक रेडियो, डिजिटल सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, SMS और TV के विज्ञापनों पर करीब 1,656 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों पर सरकार ने 1,698 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं होर्डिंग, पोस्टर, बुकलेट और कैलेंडर जैसे विज्ञापनों पर 399 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। BJP के सत्ता में आने से पहले 6 साल में 3,974 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, यानी सिर्फ 3 साल में वर्तमान सरकार इस आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। 6 अक्टूबर 2017 को ये RTI फाइल की थी DAVP के ऑफिस में, तो अब उसका जवाब मुझे हाल ही में 2 दिन पहले मुझे आया है, और उसमें मैंने जो 3 सवाल बेसिकली पुट किए थे कि प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड आउटडोर मीडिया, इन तीनों के प्रचार प्रसार में गवर्नमेंट ने अभी तक कुल कितना खर्च किया है, तो तीनों का अलग अलग आंसर है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 1600 कुछ करोड़ है, उसी तरह से प्रिंट मीडिया में भी 1600 है एंड 400 समथिंग करोड़ इसमें है, आउटडोर मीडिया में है। सरकार अपने प्रोजेक्ट्स का और अपने डेवलपमेंट का जो भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कम कर रही है, अपना प्रचार प्रसार ज़्यादा कर रही है और हमेशा अगले चुनावों की तैयारी करती हुई दिखती है। 2016 में एक RTI आवेदन का जवाब देते हुए मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र ने 1 जून 2014 से 31 अगस्त 2016 के बीच ऐसे विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया था। आंकड़ों के अनुसार सरकारी विज्ञापनों पर 1 जून 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच 448 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक 542 करोड़ रुपए और 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2016 तक 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं अगर साल 2015 की बात की जाए, ऐसे ही एक RTI के जवाब में बताया गया कि केंद्र सरकार ने केवल मन की बात के विज्ञापन पर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिर्फ अखबारों के विज्ञापनों पर खर्च की। इन आंकड़ों से साफ होता है कि केंद्र की NDA सरकार का प्रचार पर खर्चा तकरीबन दुगना हो गया है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।